क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 10 5/7 डॉट इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 1 whole 5/7 फाइंड द अदर फ्रैक्शन। ठीक है, दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने पर 10 whole 5/7 आता है, उनमें से एक फ्रैक्शन जो है 1 whole 5/7 है, फाइंड द अदर फ्रैक्शन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कह रहे हैं प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, दो फ्रैक्शनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आता है, और जो पहला ना फ्रैक्शन है वो ये है, तो दूसरा फ्रैक्शन कौन सा था, तो हमने लेट मान लिया लेट अदर फ्रैक्शन बी एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो फ्रैक्शनों को मल्टीप्लाई करने पर, कोई दो फ्रैक्शन है उनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 10 5/7 आ रहा है, 10 5/7 आ रहा है, उनमें से एक फ्रैक्शन दिया है, इफ वन फ्रैक्शन इज 1 5/7 या हमने लिख लिया 1 5/7, दूसरा हमने मान लिया एक्स, ज़रूरी नहीं 1/x लिखा या x/1 लिखे, समझ सकते हैं 1 नीचे लिखा है, लिखना ज़रूरी नहीं है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन यही कह रहा है उनमें से एक फ्रैक्शन ये है, दूसरा कौन सा है। ठीक, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 7 1 पहले याली लाइन कीजिए, 7 1 7 प्लस 5 7 5 12 12/7 इंटू एक्स बराबर, याली लाइन पहले खींची, 7 10 70 प्लस 5 75 है ना। अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है, या आप एक चीज़ ये भी याद रखिए कि ये इक्वल टू के इधर यहाँ मल्टीप्लाई है, ये 7 से 7 कट जाएगा अगर मल्टीप्लाई है यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास बचा 12 x यानी 12x बराबर 75, x बराबर 75/12 यानी कि ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई में, इसलिए 12 नीचे चले जाएगा। अगर आप नहीं काट रहे 7 से तो 7 इधर जाएगा, 12 नीचे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, अब 12 से 75 को डिवाइड कर लिए, क्योंकि जो नीचे होता है वो बाहर रहता है, जो ऊपर होता है वो डिवाइड के अंदर रहता है। 12 5 60 12 6 72 12 7 84 ज़्यादा हो जाता है, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 3 गया 6 3/12। आप कहेंगे सर 6 3/12 तो आंसर नहीं आ रहा है, भाई ये क्वेश्चन ये बीच में लिखते हैं, रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, डिवाइजर नीचे लिखते हैं, लेकिन ये कट भी तो रहा है, 3 1 3 3 4 12 तो 6 1/4 आंसर आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर हुई बात, कैसे करते हैं सवाल, फिर से क्वेश्चन देखिएगा, फिर से हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ के हमने क्वेश्चन करा है, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर ये आता है, एक नंबर ये है तो दूसरा नंबर कौन सा था, उसको सॉल्व करा करके दिखाइए।